नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ललिता है। स्वागत है आपका मेरे चैनल टीनी टीनी फीड्स में। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसे बोलने में प्रॉब्लम है, या हकलाता है, या कुछ वर्ड्स हैं जो वो क्लियर नहीं बोलता, कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग के वर्ड्स मिस कर जाते हैं, कुछ बच्चे लास्ट के वर्ड, कुछ बच्चे होते हैं जो आधा वर्ड बोलते हैं और आधा खा जाते हैं, और कई बच्चे जो होते हैं कुछ कुछ वर्ड्स में ही प्रॉब्लम करते हैं, जैसे ल, त, ट, च। ठीक है, आज हम बात करेंगे टंग एक्सरसाइजेस के बारे में। अगर आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत भी अगर बोलने में प्रॉब्लम है, तो उन एक्सरसाइज से बच्चे की स्पीच हो जाएगी क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइजेस। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि टंग की रेंज क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम रेंज के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे हमें करवानी है और उनकी रेंज क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड कैसे, जितनी बच्चा बाहर निकाल सकता है। ठीक है, पूरी बाहर निकालनी है। हाँ जी, आपको क्या करना है, आपको जो एक्सरसाइज बताई जा रही है ये 5-5 सेकंड होल्ड करनी है। तो और कितने कितने टाइम्स करवानी है, देखिए स्टार्टिंग में आप बच्चे को 5-5 टाइम्स करा सकते हैं, बाद में आप 10-10 टाइम्स भी इंक्रीज करा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप 5-5 टाइम्स कराएंगे और 5 सेकंड होल्ड कराएंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बाद है, अब है लेफ्ट एंड राइट। देखिए, पहले लेफ्ट साइड में करेंगे, देन राइट। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, आपको 5-5 सेकंड और 5-5 टाइम्स करानी है सभी एक्सरसाइजेस। अब हमें क्या करना है, टंग को रोल करना है टीथ के अपर साइड में। देखिए, फाइव टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जी हमारी जो ये है रेंज जो है ये क्लियर होनी। अब हमें क्या करना है, टंग को फील करना है, 5 सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट देन राइट। अब हम करेंगे, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे र, ल, ट, कैसे बोलते हैं, र तो हमारे ऊपर टच होता है, ल, ट, तो हम इनकी टीथ के नीचे हम टंग को, ठीक है, अब है जो हमारा तालू होता है उसके नीचे अंदर की साइड, हाँ जी फ्रेंड्स। अब हमारा आएगा डाउन एंड अप, हाँ जी, हाँ जी फ्रेंड्स। डाउन यहाँ पे हमारा, यहाँ तक हमारा पूरी जीभ बाहर आके ऐसे फोल्ड होनी चाहिए, और अप में ऊपर, कोशिश करेंगे कि अच्छे से हो। एंड अप, हाँ जी फ्रेंड्स। तो अप एंड डाउन फ्रेंड्स, जो हमारी मूवमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और जो रेंज है वो पूरी कवर होनी चाहिए। अब हमें कोई आइसक्रीम स्टिक, पेंसिल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्लीन होनी चाहिए। उससे बच्चे को क्या कहेंगे, आप लिप्स पे रखेंगे और बच्चे से कहेंगे इसे पुश करना है अपनी टंग से। देखिए, हाँ जी, ऐसे करके आपको पुश करना है। ठीक है, आप आइसक्रीम स्टिक लेंगे, अभी मेरे पास आइसक्रीम स्टिक नहीं थी इसलिए मैंने ये यूज किया, आप आइसक्रीम स्टिक लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट है टीथ और लिप्स के बीच में अप एंड डाउन, हाँ जी। ये हमारी एक्सरसाइजेज थी जो हमें बच्चे को करानी है, जिससे उनकी जो स्पीच है वो क्लियर होएगी, बिल्कुल साफ होएगी और बच्चे अच्छे से बोल सकेगा। लेकिन आपको ये कैसे करानी है, देखिए बोलेंगे करने के लिए तो बच्चा नहीं करेगा, इधर उधर भागेगा, वैसे भी बच्चे बैठ के एक्सरसाइज करवाएंगे तो वो नहीं करता है। तो आपको ये एक्सरसाइज कराने के लिए चाहिए होगी आपको कुछ चीज़ें, किसी चीज़ की हेल्प, जैसे आपकी टॉफीज हैं, टॉफ चॉकलेट्स हैं,
या घर पे कुछ हेल्दी है जैसे पीनट बटर, ठीक है, शहद वगैरह आप ले सकते हैं, या और भी कुछ स्नैक्स में ऐसा कुछ है जो आप थोड़ा सा ऐसी फॉर्म में हो जिसको आप यहाँ पे लगा दें बच्चे के अंदर, मुंह में भी लगा दें तो बच्चा उसे चाट सके, तो आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों को ये एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, ठीक है। आप बच्चे को जहाँ पे आपको करानी है, जैसे राइट लेफ्ट करानी थी तो आप लेफ्ट में लगा दीजिए यहाँ पे, और बच्चे से कहिए कि आप इसे लिख करो, लेफ्ट में लगा दीजिए, लिख करो, ठीक है, डाउन अप, तो आप उनको लगा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, चॉकलेट्स को, टॉफीज को, या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और बच्चे को उसे चाटने के लिए और वहाँ पे टच करने के लिए बोलिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी एक्सरसाइजेस बच्चे के साथ पूरी हो जाएंगी। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।